यमुना को हम देंगे कुछ सिचुएशंस, ठीक है, और आपने मुझे बताना है कि आप इन इन टाइम्स पे क्या, कौन सा मिल्दी नगमा आप बताती, ठीक है? क्रिकेट का मैच चल रहा है, पाकिस्तान टीम इज प्लेइंग, ठीक है, अगेंस्ट समवन, सम टीम, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त मैच है, और अब टेंशन के बाद फाइनली पाकिस्तान जीतने वाला है. आप जिस जगह बैठी हुई हैं, आपके पीछे सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, और वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि यमुना पाकिस्तान जीत रहा है, कौन सा नगमी मिल्दी नगमा गाना चाहिए? विच वन विल यू स्टार्ट विद? ओके, सो आई थिंक आई स्टार्ट विद हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान. थैंक यू. अच्छा, अगला. Yeah. Who's your favorite band? कौन सा है favorite band? International? नहीं, मैं ज़्यादा music नहीं सुनती. अच्छा, yeah. Okay. U2, you're familiar with U2? U2 का concert है. The biggest group, you know, one of the biggest groups. उन्होंने आपको देखा, मैंने कह रही है तो यमुना ज़ैदी है पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस, आ जाए जी स्टेज पे हमारे साथ. यमुना is going to perform with U2. अब कौन सा गाएंगी? और पाकिस्तानी जितने हैं ना कॉन्सर्ट में, दे आर लाइक वाओ, अब क्या होगा, अब यमुना कौन सा गाना है? रावे, सिर्फ आपके लिए. आई सो ऑन इट. इतना अजीब से सवाल है बच्चे के. ओके, सो आपने सात दिन गुनाने इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं. दैट्स इट. या पूरा थोड़ी गुनगुनानी, बस छोटा छोटा. व्हाट्स योर फेवरेट पाकिस्तानी सॉन्ग? नॉट अ मिल्दी नगमा, देसी गाना कोई भी. अभी आजकल राज़ी उल्फत. अरे तो खूबसूरत है, बट वो मैं नहीं बोलती आपसे कुछ बनाने के लिए. हाँ, वो बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है. इसीलिए मैंने आपको बचा लिया. बहुत मुश्किल है तो राज़ी उल्फत है, जो इट्स सो ब्यूटीफुल. वो बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, और इतने अच्छे तरीके से प्लेस किया है उसको हर जगह कि मैं आपको क्या बताऊं. सीरियस क्वेश्चंस पे जाएं या लाइट रखें? Whatever you feel like. So yeah. I'm gonna tell you some. I'm gonna show you few pictures. Okay. या मैं कुछ आपको बोल के बताऊंगी. You have to guess कि आपके किस co-star ने ये बोला होगा. चलें, ठीक है. शायद पता ही हो मुझे सारे. ये picture, who do you think would have posted? Co-star ही? या आपके साथ किया हुआ है काम? साद कुरैशी? नहीं. किसने किया होगा? दोबारा से देखें, अच्छा. जरा आंखें खोल के देखूं. ये है, ये पिक्चर है, और मैं एक एक जुमला भी बताती हूँ. Are you talking about the location? No, no, I'm talking about which of your co-stars could have posted this picture. ये मैंने उन्हीं के किसी के अकाउंट से उठाई है उनके, और आपसे मैं पूछ रही हूँ कि, और उन्होंने कहा इस पिक्चर पे, किसी ने उनसे पूछा क्या पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नॉर्मली तो आँखें किताबों की आँखें ढूंढ रहा हूँ. कौन कह सकता है आपके co-stars में से ये? कौन? जाहिद. I'm so, यार थोड़ा सा हेल्प करो राबिया. उनके साथ आपने भी पिछले साल किया है ड्रामा. इमरान अशरफ? यस. ओके, बस गेस ही किया है, क्योंकि इस तरह की गहरी बातें इमरान ही कर सकता है. ओके, अच्छा, गहरी बातों मैं आपको बताऊं, लेकिन ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पे मैंने साद कुरैशी के साथ ड्रामा किया था. ओके, सो आई थॉट यू टॉकिंग अबाउट द पिक्चर एंड द लोकेशन. नहीं, आई एम जस्ट गेसिंग कि आप कितने अच्छे अपने कोस्टार्स को, या गेस कर सकती हैं कि चले अब नेक्स्ट मैंने कोई मिस नहीं करना. सो एंड अगर उससे रिलेटेड कोई स्टोरी या उनसे कुछ आ जाए तो वो हमें आप सुना दीजिएगा. तो इमरान अशरफ के अब ऐसी गुफ्तगू करते रहते हैं इस टाइप पे? अरे हाँ, आधी बातें तो ऊपर सर से गुजरती हैं, आधी समझ आती हैं. लेकिन ये कि इमरान अपना काम बहुत शौक से करता है, और हमेशा जो है ना वो पूछता है, इतना अच्छा शॉट देने के बाद पूछता है सही हो गया, सही हो गया. यार तुम ये क्या ड्रामे क्यों कर रहे हो? ऑफ स्क्रीन भी ड्रामा, ऑन स्क्रीन भी ड्रामा. आप कह देती हैं. आई मीन इमरान बहुत वो हैं, फ्रेंडली हैं, और बातें करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. खामोश ना खुद बैठते हैं, वो बैठने भी नहीं देते. ओके ओके, ये पिक्चर उन्होंने पोस्ट की है. ये पिक्चर, हु कुड इट बी? ठीक है, एंड देन आई विल आल्सो टेल यू एक और चीज़ उन्होंने किसी पे लगाई. ये पिक्चर है, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने लिखा व्हाई एम आई सो ऑरेंज, किसी एक अपनी पोस्ट पे लिखा व्हाई एम आई सो ऑरेंज. Who could write? Yes. That was good. Even I'm not following him, but मैंने उसकी पिक्चर कहीं देखी थी. So ये why am I so orange? ऐसी बातें करते रहते हैं वो, छोटे छोटे जुमले बोलते रहते हैं. अहमद का तो बिल्कुल मुझे कुछ नहीं, मुझे like he's a very good human being. लेकिन he hardly talks
सेट पे काम के दरमियान. सीरियसली? बिल्कुल. नो, इट्स वेरी सीरियस. या इट्स नॉट अबाउट सीरियस, बट ये कि बस ज्यादा अच्छा बात नहीं करता है. तो दोस्ती नहीं आपकी उनसे इतनी? मेरी बहुत अच्छी कहले सलाम दुआ और वो है, बट ये कि ऐसे दोस्ती वोस्ती टाइप नहीं है. अहमद तो सीरियस, बस काम से काम अपने कोने में बैठ के कहीं सेब खा रहा है कहीं. अहमद अली अकबर सेब खा रहा है. अहमद बटिया के वो एक तरीके मुझे एज अ को-एक्टर. आपको सेब ऑफर करते थे अकेले अकेले खा लेते थे? नहीं, वो हमेशा, ही इज अ वेरी हम्बल गाय. बट ये कि वो, मैं हमेशा कहती हूँ कि एज अ को-एक्टर बहुत मेरा फेवरेट है, अच्छा है. और दूसरा ये कि इंसान भी अच्छा है, बट बात बहुत कम करता है. अच्छा, ओके. अब एक और आपके को-स्टार हैं, उन्होंने अमजद इस्लाम अमजद की एक नज़म पोस्ट की हुई है. ना शिकायतें ना गिला करे, कोई ऐसा शख्स हुआ करे जो मेरे लिए ही सजा करे, मुझसे ही बातें किया करे. बहुत लंबी सी है, बट हु डू यू थिंक कुड हैव पोस्टेड दिस? वहाज. यस, दैट वाज क्विक. अब यमुना ही जिंदगी है. मैंने बताया तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है. शुरू में तो मैं समझी नहीं थी वो लोकेशन. साथ के साथ मैंने काम किया था, बट वहाज का मैंने इसलिए इतना ज़्यादा जल्दी से गेस कर लिया कि वहाज के साथ मैंने बहुत मेरा कम काम, मैंने साथ में हम लोग के साथ में कम काम था, बट मैं बहुत कंफर्टेबल थी. वहाज इज़ अ वेरी नाइस गाय. और वो कहता था कि मैं यमुना अपनी 3 साल की बेटी को फैज़ अहमद फैज़ की गज़लें नज़में सुनाता हूँ, घर जाके पढ़ता हूँ मैं. मैंने कहा यार सीरियसली? खामोश और इस तरह का सेट पे रहता था. मैं कहती थी क्या आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है? क्योंकि मैं कहती थी कि ना ईजी रहे इंसान का, तो वो फिर वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है. तो इस पे मैंने कहा यार ये नज़म है तो ये वहाज का ही सीन होगा. यस यस. और एक और हैं जिन्होंने कहा है, ये आपके को स्टार्स हैं, उनको मैंने मैसेज किया था कि इफ़ यू कुड प्लीज़ से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हर. ओके, ठीक है. तो उन्होंने ये मैसेज भेजा है, द न्यू पिक्चर्स दैट वी आर सीइंग ऑफ यमुना ज़ैदी आर जस्ट समथिंग एल्स. शी लुक्स स्टनिंग, सेक्सी एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड हर, बट नाउ आई थिंक आई एम इन लव विद हर. कौन है? ज़ाहिद? यस, ज़ाहिद. ये क्या स्टोरी इसकी? ज़ाहिद तो ज़ाहिद से बहुत अच्छी दोस्ती है. जो कहते हैं ना ज़ाहिद से तो ओनली ही कुड हैव सेंड दिस, यू नो, दोस्ती अच्छी है. ज़ाहिद अप्रिशिएट करता है कि अगर कोई, यू नो, मैं अपनी प्रोफाइल में चेंज लाऊं, प्रोफाइल एज एन नॉट जस्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, माय एंटायर लुक एंड ऑल दैट, क्योंकि वो चाहता है कि यू नो मैं ग्रो करूँ और काम करूँ. ये वो तो उस पे बात है. मुझे बहुत ज़ाहिद से अच्छी वाली दोस्ती है, दोस्ती वाली बात करें. तो इसलिए उन्होंने ये भेजा और उससे आपने गेस कर लिया कि ज़ाहिद नहीं बोला होगा. दैट्स सो नाइस. यार थोड़ा राबिया मुश्किल क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज दिस? ओके, सोच ले यमुना. मिलनी ना मिल ना गवाए, उससे गाने ना गवाए. नहीं नहीं आ रहे अभी. मुश्किल तो नहीं, आई थिंक फन है. मुश्किल नहीं है, मुश्किल चीज़ नहीं करनी, फन करना है. जैसे मुझे इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे करके ना. मुझे अच्छा जी. अब अगले साहब जो है ना, या मैंने कोशिश वैसे सबसे की थी लेकिन बस सब बिजी भी होते हैं. ये आपके जो को-स्टार हैं, उन्होंने अपनी एक प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल पिक्चर पर लिखा, इन रास्तों पे आने वाले सब करते हैं क्यों किनारा, इन आहटों में बसने वालों से कोई पूछे कौन है हमारा. दुखी रूह कौन है? दोबारा से बोलिए. आपसे ज़्यादा शेर बार बार बुलवाते हैं इन रास्तों पर. अब मैं कोशिश करी मैं अच्छे तरीके से बोलूँ. आपके सामने बैठी हूँ तो आई सी हाउ ब्यूटीफुली आप. इन रास्तों पर आने वाले सब करते हैं क्यों किनारा, इन आहटों में बसने वालों से कोई पूछे कौन हमारा. Who could have said something like this? अपने एक प्रोफाइल पे नीचे. और अच्छा, एक और पिक्चर की उन्होंने नीचे लिखा है अपनी पिक्चर, ओनली फ्रॉम द हार्ट यू कैन टच द स्काई. बिलाल तो नहीं? यस बिलाल. What gave you the hint? The last quote, रूमी का. या वो उससे मैं पहचानी. कैसे? Because वो उसने अपनी एक पिक्चर पे लिखा था. लिखा था. बट ऊपर वाली चीज मैंने नहीं पढ़ी. मैंने वो भी उन्होंने अपनी एक पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ है. अच्छा, पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है. ओके 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 ओके. अच्छा, बिलाल ने एक पिक्चर पोस्ट की, ठीक है. तो बिलाल उसमें ना ऐसे करके बैठे हुए. तो एक और आपके कोस्ट आ रहे हैं, उन्होंने नीचे कमेंट किया, अ रियल मैन इज वन हु कैन स्टैंड हिज ओन आर्मपिट स्मेल, यू द मैन. कौन हो सकता है? थिंक. आपने जिन लोगों के साथ काम किया, उमेर राणा. यस यस. किसमें इतना टैलेंट है, इतना खूबसूरत? गॉड, उमेर. वो तो भाई कोई भी
बात मुस्कुराते मुस्कुराते कुछ भी कह देते हैं. मैं और, चेक कर और खैर वो उनकी ना बिलाल से दोस्ती भी है बिकॉज दे हैव डन आई थिंक 2 or 3 प्रोजेक्ट्स टुगेदर सो दे आर गुड फ्रेंड्स एज वेल. तो ये कि मैंने कोई और हीरो लड़का आई मीन तो नहीं लिखेगा ये. उमेर से बहुत दोस्ती है बिलाल की तो यू नो.